हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी हूँ मैं अपने गांव में, आप लोग देख सकते हैं पीछे का, और आज का वेदर भी अपडेट करूँगी मैं आप सबको। तो आज हम जाने वाले हैं किब्बर, क्योंकि किब्बर में जो किब्बर का जो मंदिर है देवता का, तो मतलब उसको तोड़ नहीं सकती, तो उसको वैसे ही रखा हुआ है, तो सिर्फ बार बार से उसको मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, नया बनाया हुआ है। तो आज ही के दिन जो देवता वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे होंगे, और किसी लैंग्वेज में रबने कहते हैं, तो आज हम सब जाने वाले हैं किब्बर रबने के लिए। तो लामा वगैरह, मॉन्क्स वगैरह बहुत सारे आएंगे, और आज ही के दिन सबको अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। तो फिलहाल मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं रेडी होंगी, और उससे पहले मैं आप सबको वेदर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, फाइनली ये है आज का वेदर। मौसम ख़राब है और किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है। तो बाकी ये रहा आज का वेदर, ये रही दीदी और ये रहे पापा। तो चलो रेडी होते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, और कर्मा ने और दीदी ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। तो मम्मी सूट पहन के जा रही है, क्योंकि मम्मी को चोलू, मम्मी मोटे हो गए ना, इसलिए थोड़ा चोलू टाइट हो गया है। तो अभी ये रही पापा का कैंपर, तो अभी हम जाएंगे किब्बर। ये रही दीदी, इसने भी आज ट्रेडिशनल पहना हुआ है। ये है मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस, तो इसको हमारे लैंग्वेज में खोए कहते हैं ना, खोए। तो ये है खोए। तो ये है पापा की गाड़ी, तो ये मम्मी, अम्मा हाय, बाकी रही कर्मा। तो चलो चलते हैं किब्बर। इसको देखो, गाड़ी में भी मेकअप कर रही है। तो अभी हम चल पड़े की से किब्बर के लिए। तो चलो चलते हैं किब्बर, और आप सबको किब्बर विलेज दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं किब्बर गांव। तो ये है किब्बर विलेज, और काफ़ी सुंदर है। तो आगे चल के मैं आप सबको दिखाऊंगी। और वो परे रहा वहां पर स्तूपा, और इस गांव के परे साइड चिच्चम है, तो उसके वहां पर बीच पे चिच्चम पुल भी है, एशिया का सबसे हाईएस्ट पुल। तो उसका व्लॉग मैं किसी और दिन बना के दिखाऊँगी। तो बाकी यहाँ पर मम्मी का मायका भी है, और गाज़ा में भी है, तो यहाँ पर भी किब्बर में भी हमारा एक घर है। तो बाकी ये रहे पापा, हम वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए पापा रुक गए। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ पर ऊपर। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मंदिर, ये है देवता का मंदिर। तो इस रूम में एक जो रूम है वो पुराने ज़माने में देवी देवताओं ने अपने हाथ से बनाया हुआ है, तो वो रूम भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। बाकी ये बाहर बाहर से मतलब नया बनाया हुआ है, तो ये वाला मंदिर भी नया है। तो अभी यहाँ पर एक ही रूम है जो मतलब देवी देवताओं ने अपने हाथों से बनवाया है, वो भी एक ही रात में। तो बाहर से थोड़ा वो किया हुआ है। तो चलो अभी अंदर जाके दर्शन देते हैं। बाकी ये रहे पापा, पापा भी जाने वाले हैं काजा वापस, मम्मी वगैरह माने घुमा रहे हैं। तो चलो माने को घुमाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कोरा कुर्जे करेंगे, मतलब राउंड लगाएंगे मंदिर का, तो अच्छा मानते हैं। और बाकी ये रहा लुंगता, और यहाँ से किब्बर गांव पूरा दिखता है।
ये रहा कि विलेज, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और वो परे स्कूल है किब्बर का छोटा सा, बाकी रहा किब्बर गांव, और हमारा घर भी है परे तो नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर हम रहते नहीं हैं। अभी इसका फ़ोन गिरने से बच गया था, वहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को छोटा सा, तो हम रहते नहीं हैं वहाँ पर, तो अभी कुछ सालों बाद वहाँ पर हम देखेंगे कुछ बनाएंगे। तो बाकी वो रही नीचे पापा की गाड़ी, तो पापा जा रहे हैं काजा, तो चलो अंदर दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले कल हवन की आवाज़ है, तो अभी भी आग जला हुआ है। बाकी ये है मंदिर, तो हमारे स्पीति लैंग्वेज में हम लांग बोलते हैं, तो अभी हम लांग में दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों ये है लांग, तो अभी छक कर रहे हैं, तो अभी छक कर लेती हूँ। तो अभी मैं आप सबको लांग दिखाने वाली हूँ अच्छे से, तो बने रहे ब्लॉग में। बाकी यहाँ पर लामा वगैरह अपना काम कर रहे हैं, पोथी वगैरह बंद कर रहे हैं। ये रहा छन में, चलो अभी हमने दर्शन कर लिया है, बाकी चलो पहनते हैं अपना जूता। बाकी यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों मैंने आप सबको बताया था, तो जो एक रूम है वो ये है जो देवताओं ने अपने हाथों से वो भी एक रात में बनाया था, तो वो ये रूम है। तो इस रूम में जाना भी अलाउड नहीं है और कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो हमने सिर्फ बाहर से दर्शन किए। तो ये है वो रूम, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो अभी चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों तो अभी हम जाने वाले हैं इस रूम में, तो ये है लचन जिबुछेन जी का जिमशू, मतलब उनका रूम है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो मम्मी और जो एक आंटी है वो अंदर चले गए हैं, तो बाकी ये दोनों यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये लोचन रिंपोछेन जी का ना, ठीक है, लोचन टुलकु रिंपोछेन जी का बेडरूम। तो दोस्तों ये ठीक है, लोचन रिंपोछेन जी का बेडरूम है ये। ये भी है उनका बेडरूम, तो देख सकते हैं आप लोग। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मज़ा आ रहा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रूम से। किचन और ये रिंपोछेन जी का किचन है, ये किचन है, तो अभी किचन में लाइट ऑफ है। तो चलो अभी दरवाज़ा बंद करते हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर रूम है। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। तो दोस्तों अभी मम्मी बता रहे थे कि ये जो बना हुआ है हिरण का, ये तो सिर्फ मंदिरों में ऐसा बनाया जाता है, बाकी और घरों पे नहीं। तो ये और हिरण कितना सुंदर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हिरण,
आंखें देखो इसकी कितनी सुंदर है। दोस्तों ये दोनों यहाँ पर पानी पी रहे हैं, तो बाकी तो अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लोग थुप्पा, तो बाहर से जो आते हैं उनको थुप्पा पिला के, और गांव की आंटी वगैरह यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। बाकी क्राउड अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग आएंगे, और यहाँ पर ये दोनों पानी पी रहे हैं। थुप्पा आटा का, तो अभी मम्मी दीदी वगैरह थुप्पा पी रहे हैं, तो मैंने घर में ही खा लिया था खिचड़ी, तो अभी मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी वगैरह बोल रहे थुप्पा बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो हम भी आंटी पी रहे थुप्पा लकड़ी से। तो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ चम्मच नहीं होता था, तो लोग लकड़ी से ही पीते थे थुप्पा, तो अभी आंटी भी लकड़ी से पी रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बॉयज़ का ट्रेडिशनल ड्रेस, तो इसने पहना हुआ है छोटा सा हाई से टोपी, देखो छोटा सा। बाकी अभी लोग आए हुए हैं, तो अभी देवता आएंगे तो सब लोग दर्शन के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। दोस्तों अभी सब लोग लाइन पे लग चुके हैं, देवता आ रहे हैं स्वागत के लिए, सब लोग खड़ गए हैं लाइन में। ये है मेरे मामा, तो इनके अंदर जो कीपर का देवता है वो इनके अंदर आता है, तो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी आप सबको। तो दोस्तों लस्सर और चिचम के जो देवते हैं वो आ गए हैं, तो शिंगो और थंगचेन कहते हैं इनका नाम। गाइस ये है प्रसाद, चिल्लाओ तुम चिल्लाओ, ये है देवता का प्रसाद। तो अभी सबको लंच करने के लिए बुलाया है, तो मैं भी जा रही हूँ लंच करने, और यहाँ पर तो अभी दीदी और जो सिस्टर वगैरह हैं मम्मी वगैरह चले गए अंदर, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों ये है सलमा और खुला, तो सबको दे रहे हैं ये, और उसके बाद ये है नमकीन चाय। तो हमारे स्कूटी में नमकीन चाय बहुत फेमस है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग नमकीन चाय पीते हैं। नमकीन चाय ये है सिड्डू, तो हमारे स्पीति लैंग्वेज में सुंग और टिमोक दोनों कहते हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है, इसे सब्जी के साथ खाते हैं। तो बाकी प्लेट में खाना लग चुका है, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं खाना, और फिर मिलते हैं आप सबसे। तो इधर देखो छोटी सी बच्ची ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आई हुई है। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों ने पहना हुआ है जो भी। मिंची ना। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं देवता का वेट, तो बाकी रही बच्चे दीदी मम्मी, और ये रही चुड़ैल। चुड़ैल दीदी का खेल रहा, ये है चुड़ैल छोड़न हाय, ये है छोड़न हाय से। तो अभी हम कर रहे हैं देवता का वेट, तो जब देवता आएंगे तब हम आप सबको दिखाएंगे। 108 माला है इसमें, तो अभी मम्मी माला जप रहे हैं, और ये दादी भी।
तो बाकी हम अभी गुप्ते का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी चार घूर हैं, आप लोग देख सकते हैं परे। तो अभी चारों अपना लागोए पहन रहे हैं। हमारे स्पीति लैंग्वेज में जो देवता का ड्रेस होता है उनको लागोए कहते हैं। तो अभी जो घूर वगैरह हैं वो लागोए पहन रहे हैं। तो इसके बाद इनके अंदर जो देवता वगैरह होंगे वो प्रकट होंगे, तो तब मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए पर के देवता। तो इन्होंने अपने गाल पे जो छोटा सा त्रिशूल है वो गाल से परे गाल को छेद करके निकाला हुआ है। तो ऐसा इसलिए करते हैं जब देवता वगैरह बहुत खुश हो तब करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो तब करते हैं। तो आज खुशी का माहौल है तो इसलिए देवता ने मतलब अपने जो गाल से छोटा त्रिशूल है वो परे को निकाला हुआ। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं। जो देवता ने यहाँ से जो दारू वाला बोतल फेंका था वो यहाँ नीचे गिर गया। अगर वो टूटा नहीं तो वो सीधा ऐसे बिल्कुल दारू पे होता और वो सीधा ऐसे नीचे खड़ जाता है। अगर वो टूट गया तो वो गायब हो जाता है, कांच किसी को भी नहीं दिखता है, तो ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। तो दोस्तों जिन्होंने अभी यहाँ डिम्पल से यहाँ छेद किया था वो ये है, मेरे मामा है। हाय चे। तो दोस्तों जो रमनी था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ये बुंदू पहन लिया क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। तो अभी जो हमारा ट्रेडिशनल डांस है ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के तो वो करेंगे अभी। तो अभी बारिश हो रही है तो हम अपने किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं नीचे। तो बाकी ये रहे डोके कर्मा और दीदी, तो चलो चलते हैं। और मैं पहले बुंदू पहन लेती हूँ क्योंकि अब बारिश हो रही है और हवा इतनी तेज़ हो रही है तो मेरे हाथ सारे ठंडे। तो दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं जो देवता जो घूर है मतलब हमारे मामा है वो, तो अभी हम उनके घर में जा रहे हैं। तो वो ऊपर वो रहा उनका घर, तो
अभी हम जाएंगे उनके घर, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो बाकी ये रही मम्मी और दीदी आके चल रही है। तो बाकी मैंने ये गुंडू पहन लिया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, तो इसलिए। तो अभी अभी तो मौसम ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये है फूल, अभी हम दीप्ति के पास जाएंगे और अभी मम्मी वगैरह जा रहे आगे। तो दोस्तों अभी देवता सबका इलाज कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ लोग बीमार होते हैं तो देवते को पूछते हैं। तो दोस्तों देवता ने हमें परसों आने के लिए बोला है, तो अभी हम सब फ्रेंड वगैरह मिलके ऐसे ही गपशप मार रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद डांस भी होगा।